गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें हम चैप्टर नंबर 15 निबंध लेखन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, हम अपने बारे में, मेरा परिचय यानी कि अपने खुद के बारे में बता रहे हैं। जैसे आप माय सेल्फ लिखते हैं ना, तो वो इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में होता है मेरा परिचय। मेरा नाम राहुल है, मेरी आयु 6 वर्ष है, मैं मयूर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं पहली कक्षा का छात्र हूँ, मेरे पिताजी का नाम संजय है, मेरी माताजी का नाम कुसुम है, मेरी एक बहन है जिसका नाम अंजलि है, मैं बड़ों का आदर तथा छोटों को प्यार करता हूँ, मैं विद्यालय सही समय पर आता हूँ, मैं कक्षा में मन लगाकर पढ़ता हूँ, घर में माता पिता के साथ काम में हाथ बटाता हूँ, सभी मुझसे प्यार करते हैं। तो आपको भी इस तरीके से ही अपना नाम लिख के पूरा अपने बारे में लिखना है, ठीक है। आपकी जो आयु है, आपके स्कूल का नाम, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपके पापा मम्मी का नाम, बहन का नाम, इस तरीके से आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है मेरी माँ। मेरी माँ में यह मेरी माँ है, वह एक घरेलू औरत है, वह स्कूल, मतलब निबंध क्या होता है, अगर हमने कोई भी पर्सन लिया, अगर हमको उसके बारे में लिखना है, हमें ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है उसके बारे में, तो हम पूरी चीज़ें उसी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ मेरी माँ, माँ के बारे में लिख रहे हैं, तो हम माँ के बारे में ही बताएंगे कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरी माँ घरेलू काम करती है, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो सारा हम माँ के बारे में लिखेंगे, उसमें और कोई को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। वह हमेशा घर को साफ सुथरा रखती है, वह हमसे बहुत प्यार करती है, तो इस तरीके से आपको भी लिख के लाना है, ठीक है। अब है मेरा घर। मेरा घर है तो मेरे घर में क्या है, हमने घर के बारे में बताया, तो हम घर के बारे में एक ही चीज़ बताएंगे, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर में इतने कमरे हैं, ठीक है, मेरे घर में एक रसोई घर भी है, मैं अपने घर को हमेशा साफ रखता हूँ, मेरे घर में ही बगीचा है, बगीचे में तरह तरह के फूल हैं। इस तरीके से आप घर के बारे, आपको जो भी लेना है आप उसी, जैसे आपने घर लिया तो घर के बारे में ही लिखेंगे, वही होता है निबंध, ठीक है। जैसे आपने मान लो मेरे दोस्त पे निबंध लिखा, तो आप दोस्त लिख रहे हो, आपको अपने दोस्त के ऊपर निबंध लिखना है, तो जिस दोस्त का आपने नाम लिखा है ना, उसी दोस्त के बारे में आपको पूरा बताना है कि वो ऐसा है, वो मेरा हर काम में हेल्प करता है, तो आप उसी के बारे में पूरा बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अब गाय पे निबंध है, तो गाय के बारे में पूरी बातें बताई जाएगी इसमें, कि गाय एक पालतू पशु होती है, इसको इसको है ना गौ माता भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी 2 आँख कान और 2 सींग, 4 थन, 1 पूँछ होती है, ये कई रंगों में पाई जाती है, ठीक है। गाय की पूजा भी की जाती है, गाय हमें दूध देती है, ये लाभदायक पशु है, हिंदी लोग इसे गौ मान कहकर पुकारते हैं। तो मतलब यहाँ सारा क्या लिखा हुआ है, गाय के बारे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है निबंध। अब आपको क्या करना है, प्रिय दोस्त के ऊपर मेरा प्रिय मित्र, इसके ऊपर निबंध ये भी लिखोगे आप, और आप मेरे प्रिय मित्र के ऊपर निबंध लिख के लाओगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा वर्कशीट कंप्लीट करना है। थैंक यू।